ईवीएम तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इलेक्शन कराए जाते हैं। जैसे बहुत पहले बैलेट पेपर्स होते थे, पिछले 10-15 साल से इलेक्शन जो हो रहे हैं ईवीएम के थ्रू हो रहे हैं। तो ईवीएम एक बैलेट यूनिट होता है, एक काउंटिंग यूनिट होता है, दोनों यूनिट के थ्रू हम इलेक्शन कराते हैं। जो दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन हुआ उसमें हमने ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन इंडिया से ईवीएम मांगते हैं, उन्होंने ईवीएम भेजा चेक करके, हमने चेक किया, फिर इसी ईवीएम को हमने कैंडिडेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव को चेक कराया आरओ के लेवल पे, फिर इसको जब मॉक पोल एवरी हर मशीन का होता है। तो ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें कि कोई वाईफाई या इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसमें ये टेम्पर प्रूफ है। और ईसीआई ने बार बार ये कहा है कि टेम्पर प्रूफ है और रिलायबल मशीन है, तो हम भी उसको उनकी बात सहमत है क्योंकि हमने इलेक्शन कराया है, इलेक्शन एकदम ठीक हुआ है, ईवीएम का सही इस्तेमाल हुआ है और सभी ईवीएम काम किए हैं। और जरूर इलेक्शन दौरान कुछ ईवीएम में स्नैग आए थे तो उसको बदलना पड़ता है, जो कि होता है। जब वीवीपैट लेते हैं राजौरीगढ़ में वहाँ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मशीन है तो उसको कोई लोके, इसीलिए हम 10% मशीन एक्स्ट्रा रखते हैं हम रिप्लेसमेंट के लिए, इन केस प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि इलेक्शन के प्रोसेस रोक नहीं सकते हैं तो तुरंत मशीन बदल दी जाती है, दूसरी मशीन से इलेक्शन कंटिन्यू हो जाता है। तो पूरा इलेक्शन हो गया और ईवीएम का विश्वसनीयता पे कोई संदेह होने की बात नहीं नजर आती हमको।